स्टार्ट करें कुछ भी सीखे चैनल को और उसके जस्ट बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए जारी कर लें। तो दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियोस हैं, मैंने आपको लॉजिक गेट में आपको बताया, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में बता दिया है। तो आज अगर आपको ये तीनों वीडियोस देखने हैं तो आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप कुछ भी सीखे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंड नैंड गेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नैंड गेट के बारे में, नैंड गेट कैसे बना होता है हमारे पास, पहला क्या है, नैंड पहला होता है हमारे पास एंड, ठीक है ना, एंड प्लस उसके बाद क्या है नॉट, ठीक है ना, तब जाके क्या बनता है नाइन, ठीक। तो नाइन का सर्किट कैसा होता है, यह आपका हो गया, दो हमारे पास इनपुट होते हैं, यह हमारे पास आउटपुट, ए और बी हमारे पास क्या हो गए, दो इनपुट, वाई मिलेगा आउटपुट प्लस उसके बाद ये आउटपुट किस में जाएगा, नॉट गेट में, ये हमारे पास हो गया नॉट गेट, जिसमें यहाँ से आएगा वाई और वही हमारे पास क्या मिलेगा, वाई बार, ठीक है ना। और इसका फाइनल सिंबल कैसे हो जाएगा, दो इनपुट, इसके आगे क्या जाएगा, ये नॉट, ये बनेगा ए और बी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, जो वाई मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट का जो बनेगा एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी, लेकिन आगे डॉट लगा था उसका कट जाएगा कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंबल, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, फाइनल तो ये होगी कि आपका जो नैंड गेट का जो सर्किट होता है वो किस तरीके से तैयार होगा। अब उसका आता है बुलियन एक्सप्रेशन, सेकंड बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो दो हमारे पास क्या है इनपुट, तो ए हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास बी, ठीक, समझ आए। और दूसरे बार यहाँ पे क्या आएगा, नैंड गेट है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, नैंड गेट क्या करता है, ए डॉट बी देगा हमारे पास आउटपुट, हमें क्या देगा, ए डॉट बी, अब ये जाएगा नॉट में, नॉट नॉट क्या करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो ए डॉट बी का बार, समझ आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दो इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, चार कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, तो क्या बनेगा, जीरो वन में बनेगा, बाइनरी सिस्टम पे रजिस्टर पे बेस्ड होता है, रजिस्टर क्या होता है, जीरो वन पर ही चलता है, सिस्टम में क्या लेंगे, पहला हमारे पास जीरो जीरो, दूसरा जीरो वन, तीसरा वन जीरो, और जो चौथा रहेगा वो वन वन का रहेगा, ठीक। ए डॉट बी करेगा तो जीरो जीरो और जीरो से करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो जीरो जीरो वन की करेंगे तो जीरो, वन जीरो करेंगे तो जीरो, और वन वन की करेंगे तो वन आ जाएगा। एंड गेट में बताया कि खासियत ये है कि अगर दोनों इनपुट वन रहेंगे तभी लाइट बंद होगी या फिर इनपुट होगी, जो आउटपुट होगा वो बन देगा। अब उसके बाद क्या है, नॉट गेट में जाएगा, नॉट गेट क्या करेगा, जितने भी हमारे पास इनपुट आए हैं ये सारे इनपुट हो जाएंगे नॉट गेट में, जो वाई आया है ए डॉट बी यहाँ पे जीरो है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, वन पे जीरो है तो क्या कर देगा, अगर जीरो गया है तो इसे कर देगा वन, और यहाँ पे जीरो गया है तो वन, फिर से जीरो गया है तो वन, और अगर वन गया है इनपुट, यहाँ ये जो इसका आउटपुट है ये इसका इनपुट बन जाएगा, यहाँ पे गया है वन, तो ये क्या है देगा जीरो, तो ये देगा जीरो, ठीक है। इस तरीके से आपकी ट्रुथ टेबल तैयार होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंड गेट, नैंड गेट के बारे में, ठीक है। तो ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट कैसे बनता है, एंड प्लस नॉट जिससे करके बनता है, और ठीक है, तो ये हमारे पास एंड हो गया और ये नॉट हो गया, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो रिजल्टेंट गेट ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तो और उसकी जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरीके से बनेगी। तो आज हम प्रूफ करेंगे ये जो ट्रुथ टेबल है वो सही है कि नहीं, अगर बनाया तो लाइट जलेगी, ये वाली लाइट आप देख रहे हैं जलेगी, अगर वन नहीं आया जीरो आया तो ये लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर इससे इसकी अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, आप जो प्रीवियस मैंने एक वीडियो डाला था जिसपे हम मैंने सारे लॉजिक गेट एंड नॉट और नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में वहाँ पे बता रखा है पिछली प्रीवियस वीडियो में। और अब हम मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कैसे चलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों जीरो जीरो है, तो आप इस पे चलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि ये सर्किट देख रहे हैं, तो ये सर्किट कॉम्प्लिकेट देख रहे हैं, हमें बस काम से मतलब है, इसमें क्या है, हमारे पास लो है, लो में क्या है जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास हाई हो जाएगा वन। तो पहले ए और बी मेरे को क्या है, दोनों इनपुट मेरे पास क्या है जीरो जीरो है, तो मैंने क्या करा कि ये जो हमारे पास इनपुट आया है जीरो वाला, तो मैंने इसे कर दिया, ठीक है।
क्योंकि ये जीरो वाला इनपुट है, तो मुझे जीरो वाले दो इनपुट चाहिए, तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और दो इनपुट निकाल लिए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, उसे एंड गेट में लगाना है, ठीक है। तो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं नैंड गेट है, ठीक है। तो नैंड गेट में अगर मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, ये हमारे पास ये हो गया, ये भी हो गया, और इसका जो आउटपुट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट ऑलरेडी बन रखा है, ये तो मैंने इनपुट दे दिया, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेंगे डायरेक्ट, आप यहाँ पे जाके अगर आप करेंगे ना और सर्किट को ऑन करेंगे, तो ये हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट है बर्न हो गई है, क्योंकि नैंड गेट डायरेक्ट बन रखा था, हमने यहाँ से इनपुट देना था, इसे कनेक्ट किया और नैंड गेट हमारे पास बर्न हो गया। तो ये तो हुआ सिंपल मेथड, कि जब नैंड गेट ऑलरेडी बना बनाया हो तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या सर्च कर सकते हैं, इसमें आपने क्या किया कि आपने दिया है इसमें ए और बी जीरो जीरो दिया है, तो ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो ए डॉट बी का बाहर करोगे तो वन आ जाएगा, तो ये जब वन आएगा तो इसका मतलब क्या लाइट होगी बर्न, क्योंकि ये दोनों क्या है ये दे रखे हैं आपके जीरो जीरो, ठीक है। तो अगर इसी की जगह आपका क्या रहेगा, इसी जगह इसी तरह से आपको सारे आपको नोट करने हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले जीरो जीरो इनपुट, फिर जीरो और वन है, तो आपने क्या करा, एक इनपुट आपने क्या करा यहाँ से निकाला और इसके बाद यहाँ पे लगा दिया, यानी कि आपको क्या ये आपका वन हो गया और ये जीरो हो गया। तो जब आपने जीरो बन दिया तो आपको ये क्या हो गया, ए डॉट बी आपका आया जीरो, लेकिन उसका नोट क्या आया ए डॉट बी, बी का बार आया, बार क्या है वन आया, यानी लाइट अब भी जल रही है। सारा इनपुट सेम ही रहेगा, बस आपको यहाँ से इनपुट बदलने हैं। अब यहाँ पे हमने क्या दिया जीरो और वन, और अब हमें क्या क्या देना है वन और जीरो। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे वन जीरो दिया या फिर जीरो वन दिया, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जीरो वन वन जीरो का एक इनपुट रहेगा, दोनों में वन वन ही दिखाएगा। अगर आपको क्या करना है वन वन देना इनपुट, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्योंकि ये लो वाला था तो हम इसके हमें क्या करना है हाई वाले से वन वाले से हमें दो इनपुट निकालने हैं। तो हमने क्या करा, ये लो वाला था इसको हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप क्या देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे क्या करा ए और बी को वन वन इनपुट दिया, तो ए डॉट बी क्या है वन, और उसका जो नोट क्या है जीरो। तो आपने क्या देखा, जब मैंने ये हाई वाला था वन वन, मैंने दोनों इनपुट वन निकाले और दोनों नैंड गेट में दिए, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं जो लाइट है वो बंद हो रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइट हमारे पास बंद है। तो एक तो ये है कि नैंड गेट